नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अक्सर आपने सोचा होगा कि संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है जब विपक्ष हंगामा करती है। अक्सर यही होता है ना कि ऐसे बात होती है कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया, आज विपक्ष के हंगामे के चलते संसद नहीं चल पाई। उसके बाद आपको केंद्र सरकार जो है वो पाई चार्ट दिखाएगी कि किस तरीके से इतना करोड़ों का काम हम कर सकते थे, नहीं हुआ। इतने करोड़ों का काम नहीं हुआ है, वो लॉस हो गया। संसद चलाने में कितना घाटा हो रहा है, देश का घाटा हो रहा है। तो ये इसी तरीके की बातें होती हैं। तो विपक्ष हंगामा करती है, सरकार बताती है हमको काम नहीं करने दे रही। लेकिन आज तो गजब ही हो गया, क्योंकि विपक्ष को घेरने के चक्कर में सत्ता पक्ष के सांसदों ने इतना हंगामा काटा, इतना बवाल, कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। सोचिए, सरकार खुद, एक ऐसी स्थिति आ रही है कि सरकार खुद संसद नहीं चलने दे रही। मुद्दा था राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान, जिस पर देश में बवाल हो रहा। एक बात आपको बता दें, राहुल गांधी अभी भी विदेश में ही है और संभवतः मंगलवार को वापस देश लौटेंगे, और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वेडनेसडे से वो संसद वापस आना शुरू करें। तो अभी वो देश आए नहीं है। लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सदन में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने वहां कैम्ब्रिज लेक्चर से अलग एक मीडिया इंटरेक्शन यह भी कहा कि जो अमेरिका और यूरोप खुद को लोकतंत्र का कथित रक्षक बताते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ भारत के लिए ही मायने नहीं रखता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज दैट एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर कैन गिव अ टॉक इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट ही कांट गिव अ टॉक इन इंडिया, इन अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। द रीजन इज दैट आवर गवर्नमेंट simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. अब भारतीय जनता पार्टी के बयान पर हमलावर है ये जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है। इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी, जिसको लेकर के बीजेपी को लगा मौका अच्छा है, तुरंत मौके पे चौका मारा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इसी संसद के सांसद हैं और वो लंदन में जाकर उन्होंने भारत को बदनाम करने की एक कोशिश की है। ऐसा सरकार का आरोप राहुल गांधी, भारत की गरिमा को चोट पहुंचाई है। वो कहते सरकार के अहम मंत्रियों ने राहुल गांधी को घेर। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के सिर पर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने
माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए, एक चीज होती है जिसे कहते हैं क्यू। क्यू मतलब कि आपको ये प्रॉम्प्ट कर दिया जाए, आपको पता हो कि अब ये ऐसे करना है। कुछ इसी तरीके की चीज संसद में जो आज हो रही थी, ऐसे लगता है कि उसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसकी भूमिका बंधनी थोड़ी पहले से शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री ने रविवार को कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य रहा है कि कुछ साल पहले मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला, मगर यह दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। यानी कि निशाना राहुल गांधी पर था, और किसके द्वारा? सीधे प्रधानमंत्री। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर हंगामे की भूमिका सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही नहीं मानी, इसके बारे में जिक्र दोनों सदनों के अध्यक्षों ने भी की। आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। मैं राज्यसभा का सभापति हूं, लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे, वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। और आइए अब आपको बताते हैं, ये तो देखिए राज्यसभा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, ये उनका बयान था राहुल गांधी के बयान पर। वहीं बहरेन में अंतर संसदीय संघ को, उसकी एक सभा को संबोधित करते हुए एक सामान्य बहस चल रही थी, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने क्या कहा, आइए आपको वो बताएं। वो कहते हैं, सांसदों को अपनी बात रखने का निर्बाध अधिकार है, ऐसे में ये कहना कि सांसदों को संसद के अंदर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, ये पूरी तरीके से गलत है। ये किसने बोला? आप अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ओम बिड़ला। तो प्रधानमंत्री, दोनों सदन के जो हेड हैं, वो एक तरीके से ये बयान जब धीरे धीरे आ रहे थे तो राजनीति के दायरे में नहीं आते हैं ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है उसको शायद एक क्यू मिल गया, जिस क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो चल रहा है दुनिया जानती है, तो वहीं शशि थरूर ने यह कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो बीजेपी बता रही है, और पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिया। यहां जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है, अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहां पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। नौ साल आपने गंवा दिए इस देश के, इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली दी, तीन तीन पीढ़ियों का अपमान है। जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता हो। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलत फहमियां आपने पाली है अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री, आप भगवान नहीं है, आप सृष्टिकर्ता नहीं है, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलत फहमियां अपने मन से निकाल लीजिए।
अब दरअसल पूरी लड़ाई किस बात पर है ये जान लेते हैं। पूरी लड़ाई इस बात पर है कि क्या विदेश जाकर इस तरह की कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बस आप ये समझिए कि ये है पूरा मामला। ये कहा जा रहा है कि आप देश के अंदर कीजिए ना राजनीति, देश की, उसका उल्लेख विदेश में मत कीजिए। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बात की। अब इस पर कांग्रेस का यह कहना है कि प्रधानमंत्री खुद विदेश जाकर बहुत कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि घरेलू राजनीति से प्रेरित होती है। तो ऐसी क्या बातें बोली हैं प्रधानमंत्री ने, आइए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं इसके कारणों में नहीं जाता हूं और न ही मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन ये धरती की सच्चाई है कि लोगों में एक निराशा थी, आक्रोश भी था, और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि अलग अलग जीवन के गणमान्य लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों ना होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रकाश जावड़ेकर और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जावड़ेकर जी के पास आना चाहता हूं। जब विपक्ष हंगामा करती है तब ये बात आप बोलते हैं कि विपक्ष हंगामा कर रही है और संसद नहीं चलने दे रही, लेकिन आज तो गजब ही हो गया जावड़ेकर जी, क्योंकि विपक्ष को घेरने के चक्कर में सत्ता पक्ष के सांसदों ने ही इतना हंगामा किया कि संसद के दोनों सदन बंद हो गए। नहीं, ये सही नहीं है। विपक्ष जब भी नेता सदन में विषय उठाने की कोशिश की उन्होंने उसको बाधित किया। दे स्टार्टेड गिविंग शाउटिंग स्लोगन्स, केम इन नियर द वेल एंड दे क्रिएट, उन्होंने ये शोर शराबा किया, क्योंकि पहले पीयूष गोयल ने कहा कि भाई मुझे बात करनी है, तो सभापति ने परमिशन भी दिया, लेकिन उनको बोलने ही नहीं देने का इरादे से विपक्ष ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, और हमारे सदस्यों ने फिर ये मांग की कि भाई आपको माफी मांगनी चाहिए, आप शोर शराबा कर रहे हो, यू नीड टू अपोलोजाइज, आपको माफी मांगनी चाहिए देश की, क्योंकि विदेश में जाते हो, विदेश में जाकर आप देश की बदनामी करते हो, वहां लोकतंत्र नहीं है ऐसा कहते हो, वहां माइक बंद करते हैं लोकसभा में ऐसा कहते हो, और 50 मिनट आप बोले सारे देश ने सुना, सबके पास रिकॉर्डिंग है, और आप कुछ भी बोलोगे और देश सहेगा ऐसा नहीं है, और इसलिए हमारे लोगों ने मांग की कि माफी मांगो। ये शोर शराबा नहीं था, ये एक तरह से जिस तरह से उन्होंने वायलेंटली पीयूष गोयल को बोलने नहीं दिया, बीजेपी के नेता सदन को बोलने नहीं दिया, तो एक स्वाभाविक सी मांग उठी, इतना ही उसका अर्थ है। बाकी शोर शराबा हम क्यों करेंगे, क्योंकि प्रकाश जी चाहते। प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि आपका ये कहना है कि राहुल गांधी को इस तरीके के बयान विदेश में जाकर के नहीं देने चाहिए थे, लेकिन हमने जो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से बात की, क्योंकि आज बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ आए, उन्होंने बयान दिया संसद में, और उनका ये कहना है कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता, तो इसको देश से जोड़ करके देखना ये सही नहीं है। आप किस तरीके से जवाब देंगे?
राहुल गांधी का बयान पूर्णतः निंदनीय है, कोई समर्थन उसका नहीं है। उन्होंने देश के खिलाफ, और एक संकेत है कि विपक्ष भी हो, जब वो विदेश में जाता है तो वो देश की लाइन को टो करता है, देश के खिलाफ वहां नहीं बोलता। अरे यहां है ना, आप दक्षिण से उत्तर तक चले ना, तो चले तो जो बोलना है वहां बोले। लेकिन वहां तो वो सावरकर के विरोध में बोलते रहे, मेधा पाटकर के साथ चलते रहे, वहां पांडवों के लिए कुछ बोलते रहे, कश्मीर में जाके अब वो गुलमर्ग में अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है तो खेलते रहे। तो ये सब उन्होंने किया, और इसलिए उनका बयान बहुत ही गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था, देश की बदनामी करने वाला था। जब देश G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, जब देश ने ग्रेट ब्रिटेन को पछाड़ के पांचवें नंबर पे अपनी अर्थव्यवस्था को लाकर खड़ा किया है, एक उछाल ली है, आज दुनिया में भारत का वजन बढ़ा है, और सब लोग कहते हैं, इटली की प्राइम प्रेसिडेंट ऑल्सो क्या कह रही, प्राइम मिनिस्टर, कि भाई मोस्ट इफेक्टिव एंड लवेबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज नरेंद्र मोदी। अब इफ दिस इज द वर्ल्ड रिकॉग्निशन, तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि उनका बयान बहुत ही निंदनीय था, देश की बदनामी करने वाला था। प्रकाश जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया, उनको ऐसी बातें विदेश की जमीन पर नहीं बोलनी चाहिए थी, देश के अंदर करें जितनी राजनीति करनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और जितने विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि आप प्रधानमंत्री के अपने ही बयान अगर सुन लें, जो उन्होंने विपक्ष में, जब वो विदेश में जाकर के, माफ कीजिएगा, उन्होंने बोले देश के खिलाफ, या जब वो खुद विपक्ष में थे और विदेश जाते थे तब जो उन्होंने बोले, पीएम बनने के बाद और पीएम बनने से पहले, वो कुछ इस तरीके के थे जो कि बिल्कुल इसी डेफिनेशन में फिट होते हैं, लॉस्ट डेकेड कह देना, ये बोलना कि 7 दशक में कुछ हुआ ही नहीं है, लोग माथा पीटते थे कि हम क्यों पैदा हो गए, एक पांव देश के बाहर ही रहता था। तब इस परिभाषा के हिसाब से इस बयान को भी नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं कहते, प्रधानमंत्री बाकायदा देश के लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं, देश के अंदर, कि आज तक जितनी भी सरकारें हुई उन्होंने देश के लिए काम किया, और जितने भी प्रधानमंत्री, हर एक ने कोशिश की, हमने एक बड़ी छलांग 9 साल में लगाई है, ये वो कहते हैं। लेकिन ये नहीं कभी कहते कि किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उनका भावी नहीं है। उन्होंने पूरे सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय तैयार किया, ये उनकी उदारता दिखाता है। ये लोग अपने फैमिली के बाहर कभी आना नहीं चाहते, और वो देश अपने ओनरशिप में है ऐसा समझते हैं। देश ने उनको रिजेक्ट किया है, देश ने उनको पराजित किया है, लेकिन वो विदेश में जाकर देश की बदनामी करना, ये बहुत ही, हाँ यहाँ कुछ भी बोलो ना, हम सब तैयार है, लेकिन वहां जाके बोलना, ये कौन सा पुरुषार्थ है। चलिए प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस सांसद, हमारे साथ। गौरव जी, क्या राहुल गांधी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए था, आपको लगता है कि ना बोलते फिर आप बीजेपी को कैसे क्रिटिसाइज करेंगे, वो खुद भी तो बोल रहे हैं। देखिए, सरकार बार बार ये आरोप लगाती है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देती, लेकिन आज हमने देखा कि सत्ता पक्ष के मंत्रीगण स्वयं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया ताकि पार्लियामेंट में ना कोई चर्चा हो, ना पार्लियामेंट में कोई प्रश्नकाल हो, ना कोई बिल पारित हो। तो ये साफ साफ एक साजिश की तरह साबित होती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सारे विपक्षी दल एकजुट होकर पहले दिन से ही, जो हमारी मांग है JPC पर, ये अडानी को किस प्रकार से मोदी सरकार मदद कर रही है उस पर JPC होनी चाहिए, ये सारे विपक्षी दल एकजुट होकर ये मांग रखने वाले हैं। इसीलिए इस मांग से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार की एक साजिश है। अगर आप तुलना करें कि राहुल गांधी जी ने विदेश में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश में भारत के संपर्क में क्या कहा है, तो इतनी आपत्तिजनक चीज़ें
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साउथ कोरिया और चीन में कहा है, तो सबसे पहले अगर क्षमा किसी को मांगनी चाहिए तो उनको मांगनी चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में बोलते हैं कि भारत में पैदा होना बहुत बहुत लोगों के लिए एक समय पर अपमान था, कोई जुर्म था, कोई उनकी गलत उनका फेट था, उनका गलत उनका समय था, तो तब भाजपा दल कुछ नहीं करती, वो सीटी बजाती है, ताली बजाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी जी के लिए मापदंड अलग नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक एक भारत जोड़ो यात्रा की जिसपे उन्होंने लाखों के लोगों के साथ बातचीत की, उन भावनाओं को, उन लोगों की भावनाओं को उन्होंने अपने स्वदेश और विदेश के विभिन्न भाषणों में व्यक्त किया है। कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा है, ऐसा कुछ भी अशब्द नहीं कहा है, किसी प्रकार से उन्होंने भारत की छवि को क्षति नहीं पहुंचाई है। उसके विपरीत उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र की नींव है और इस लोकतंत्र की नींव हमें सभी को बचाने का जिम्मेदारी लेना चाहिए। गौरव जी, देखिए, आप प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे हैं अभी, जैसे कि आपने किया, लेकिन राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो अलग तरीके की राजनीति करता हूं, और वो उसकी बात करते हैं। तो फिर आज यही मेरा पहला सवाल था, जब वो भी विदेश में बोल आए तो फिर आपको नहीं लगता है कि वो तुलना फिर किस तरीके से हो? ये दोनों तरफ की बात हो सकती है कि प्रधानमंत्री भी बोलते हैं तो मेरे बोलने से क्या दिक्कत, लेकिन फिर जिस तरीके की राजनीति वो कहते हैं कि मैं करता हूं, ये फिर उसके विपरीत जाता है। देखिए, सबसे पहले ये सवाल तो आप भाजपा को पूछिए कि आज जिस कारण से उन्होंने पार्लियामेंट को स्थगित किया, पार्लियामेंट में बिजनेस नहीं चलने दिया, वही कारण क्या उन पर लागू नहीं होता? और अगर आप तुलना करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से, मैं बोलता हूँ, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वहीं उसके विपरीत राहुल गांधी जी ने हमारे देश के लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की हैं, कितने सारे पत्रकार आज जेल में हैं, कितने सारे विपक्षी दलों पर आज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी राजनीतिक तंत्र के रूप से काम कर रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पेगासस के मामले में केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया है। तो जो सच्चाई है वो राहुल गांधी जी ने हमेशा व्यक्त किया है, वो चाहे स्वदेश में हो या विदेश में हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम स्वदेश में सच्चाई बोले और विदेश में जाके झूठ बोले। यही फर्क है भाजपा में हम में, कि भाजपा झूठ कहती है और वही, और हम देश को और सभी को सच्चाई का आईना दिखाते हैं। मेरा आखिरी सवाल गौरव गोगोई जी, भाजपा का ये कहना है कि राहुल गांधी को संसद में आ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, जो बयान उन्होंने जिस तरीके के दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है राहुल गांधी इस मुद्दे पर सफाई देंगे संसद में, क्योंकि अब इतना बवाल जो हो गया है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक मंशा भाजपा की बहुत साफ है कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन पर जब सारे विपक्षी दल एकजुट हुए, जब राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में विभिन्न विपक्षी दल आए, जब हमारे विपक्षी दल में एक 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 बात हुई कि हम पार्लियामेंट में जेपीसी का मुद्दा उसको दोबारा उठाएंगे, तो इसी को लेकर बीजेपी डरी हुई है, इसी को लेकर बीजेपी भयभीत हुई है, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर उनकी सरकार नहीं होती तो आज अडानी ग्रुप पर एक जांच होती, आज अगर अडानी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब दोस्त नहीं होते तो आज अडानी ग्रुप ने किस प्रकार से मॉरिशियस से पैसा लाया है, किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में ये जो एलिगेशंस आए हैं उस पर एक जांच होती, लेकिन जांच के मामले में हम कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी जी के करीब है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के छवि को बचाने के लिए आज भाजपा ये कर रही है। जी गौरव गोगोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब देखना ये होगा कल क्या होता है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है सरकार खुद कहती है कि। क्यों शुरू कर रहे हैं? दरअसल हमें बड़ी रोचक चीजें मिलती हैं जब संसद सत्र शुरू होता है, तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, सरकार उस पर जवाब देती है, और इन जवाबों में कुछ असल आंकड़े और एक सच्ची स्टोरी, एक सच्ची खबर और खबरों के पीछे छुपी हुई खबर, वो सब दिखती है।
तो आइए सरकार खुद क्या कहती है आपको एक एक करके बताते हैं। आज चार पांच ऐसी चीजें थी जो बड़ी रोचक संसद में जो सवाल पूछे गए, सांसद पूछते हैं और सरकार को जवाब देना होता है, सरकार जवाब को देना ही पड़ता है, आप छुप नहीं सकते। पॉइंट नंबर वन, सरकार खुद कहती है कि घटा है शिक्षा का बजट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा फुल फ्रेम जाते हैं, आपको जरा दिखा दें, ये देखिए स्क्रीन पर, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं जो कि कह रहे हैं बजट में आवंटन बढ़ा है। यानी कि आप देखें 2015-16 में कितना बजट था, उसके बाद 16-17 में आप देखेंगे वो 60,000 करोड़ से बढ़ करके 72,000 करोड़ हो गया है। उसके बाद लगातार अगर आप शिक्षा बजट देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बजट बढ़ तो रहा है, लेकिन आप इसकी तुलना कीजिए कुल बजट से, वो साइड का जो आंकड़ा है, और उसके बाद आप एक अनुपात निकालें, एक प्रोपोर्शन निकालें कि शिक्षा पर खर्चा बजट के अनुपात में कितना है, तो वो अनुपात अगर आप देखेंगे कुल बजट में शिक्षा बजट का प्रतिशत, वो पहले 3 कुछ था जो घट के 2021-22 में आप देख सकते हैं कि वो 2.46% हो गया, 2.46%, यानी कि जो 3.86% था कुल बजट में शिक्षा बजट का प्रतिशत, वो घट करके 2.46 हो गया। यानी कि एक्चुअल टर्म्स में आपको भले ही ये लग रहा हो कि करीब 70,000 करोड़ से वो 93,000 करोड़ हो गया है शिक्षा मंत्रालय का बजट, लेकिन अगर आप उसको जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखेंगे तो वो 2.46% है, यानी कि परसेंटेज में घटा है, और ये सरकार खुद कहती है। दूसरी खबर देखते हैं, सरकार खुद कहती है कि बाजार में कैश बढ़ गया है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने की सरकार ने बात की, लेकिन क्या उसका असर हुआ है? जरा ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े हैं मार्च 2013 से मार्च 2022 तक के, जिसमें मुद्रा सर्कुलेशन यानी कि सीआईसी कि कितने करोड़ रुपए मार्केट में घूम रहे हैं वो आप देखिए कि कहां पहुंच गया है। तो 2015 में ये 11.6% था, 12 था, लेकिन मार्च 2021 से आप देखिए, मार्च 2020 से ही एक्चुअली, वो डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी में जितना था उससे भी ज्यादा उसका रेशो हो गया है, यानी कि और ज्यादा कैश मार्केट में उतर आया है, और वो अभी भी चल रहा है। मार्च 2022 के भी ताजा आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये बात सरकार खुद कहती है। अगली खबर, सरकार खुद कहती है कि सेना जवानों के रिक्त पद बहुत सारे हैं। 10 मार्च 2023 तक का ये जो आंकड़ा है वो आपके स्क्रीन पर है, इसके मुताबिक अधिकारियों के 8,070 रिक्त पद थे, 1 जनवरी से 10 मार्च के दौरान 613 पद भरे गए, जेसीओ और ओआरस के 1,27,670 रिक्त पद थे, 1 जनवरी से 10 मार्च तक करीब 19,000 पद भरे गए, और ये जानकारी सरकार खुद कहती, ये जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सदन में आज दी गई, ये जानकारी हमको मिली। अगली बात करते हैं, सरकार खुद कहती है कि सरकारी बैंकों में फ्रॉड अभी भी हो रहा है, और वो आंकड़ा जो है ना टोटल वो बड़ा, बहुत ही बड़ा है। 2021-22 के दौरान जिन बैंकों में 100 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी सरकार ने दी है। 2021-22 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि सरकार खुद कहती है कि 28,700 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है बैंकों में, सरकारी बैंकों, 5 बैंकों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं सरकार की तरफ से आंकड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 7,111 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,856 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में 4,666 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,860 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और कैनरा बैंक में 2,774 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और हां, सरकार खुद कहती है कि यह 100 करोड़ से ऊपर का स्कैम है, यानी कि उसके नीचे का जो स्कैम है उसका डेटा तो ये है ही नहीं। तो अगर 100 करोड़ से ऊपर का स्कैम अगर हम उसकी बात करें तो
21-22 में, यानी कि साल 2021 साल 2022 में कुल स्कैम सरकारी बैंकों में 28,700 करोड़ रुपए का चूना लगा है सरकारी बैंकों को। अब आइए फिर बताते हैं आपको सरकार खुद क्या कहती है। वो कहती है कि प्रदूषण के उम्र घटने पर कोई स्टडी ही नहीं है। हम इतना देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं वायु प्रदूषण और सांस संबंधी जो हैं वो बीमारियां होती हैं, वो कैसे आपकी उम्र प्रभावित करती है। डॉक्टर कहते हैं कि इतने साल आपके कम हो जाते हैं, लेकिन ये तो डॉक्टर कह रहे हैं ना, प्राइवेट स्टडी है। सरकार से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास कुछ आंकड़े हैं जिससे हम इस निष्कर्ष पे निकलें कि जो मौतें हो रही हैं या जो लोग जल्दी मर रहे हैं वो प्रदूषण के वजह से है या नहीं, तो सरकार खुद कहती है कि उसके पास ऐसी कोई स्टडी नहीं। और जब स्टडी नहीं होगी तो उसके बाद फिर पॉलिसी कैसे बनेगी, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और वो भी उस देश में जहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि टॉप 10 में शुमार है प्रदूषण को लेकर के, और ये बात सरकार खुद कहती है कि उसने कोई स्टडी नहीं कराई। अगली बात आपको बताते हैं, सरकार खुद ये कहती है कि मैथिली भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाई हो सकती है। ये एक अच्छी बात है। सरकार से लोकसभा सांसद गोपाल ठाकुर ने मैथिली भाषा में शिक्षा पर एक सवाल किया था, जिसके जवाब में सरकार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसे कक्षा 8 या उससे आगे तक लागू कर सकते हैं और कक्षा 5 तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है मैथिली भाषा में। अब ये तो अच्छी खबर है, यानी कि और भी अगर जो छोटी छोटी भाषाएं हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, उनमें लिपि नहीं है, इस वजह से उनको डायलेक्ट बना दिया जाता है, उनको भाषा नहीं बोली बोल दिया जाता है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार खुद कहती है कि एक पहल है जिसको हम भी एक अच्छी पहल मानते हैं। तो हम रोज आप तक ये सीरीज लेकर के आएंगे कि सरकार खुद क्या कह रही है। आइए रुक करते हैं एक चुनावी राज्य का, कर्नाटक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पिछले चुनावों का वादा क्या है, रिकॉर्ड क्या है, वो हम नहीं जानते, लेकिन राजनीतिक दल इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि हम आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भर देंगे, आप इंश्योरेंस लीजिए, प्रीमियम हम करवा देंगे। बेंगलुरु में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सिल्क साड़ियां और 5,000 रुपए का चेक भी लोगों को डंके की चोट पर दे रहे हैं। इसको कांजीपुरम सिल्क साड़ी बोलते हैं सर, इसकी इस साड़ी का रेट है 10,500 रुपए मार्केट में, हमारे को आई है विद GST 5,040 रुपए में आई है साड़ी, और साड़ी के साथ में 5,000 का चेक दे रहे हैं। KGF बाबू ने MLC के चुनाव के वक्त अपनी मिल्कियत 1,800 करोड़ रुपए दिखाई थी। इस बार MLA बनना चाहते हैं, इसलिए बेंगलुरु शहर के चिकपेट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां गैस के सिलेंडर बांटे और घर बनवा रहे हैं गरीबों के लिए। इलेक्शन में अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना, मेरा इलेक्शन में अभी डिसाइड नहीं हुआ, मैं ये आके हमारी माँ की एक ख्वाहिश थी 3,000 मकाने बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो मकाने रही। लेकिन यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई। कांग्रेस पार्टी में तो हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के जो पोर्टुगल है पोर्टुगल के हिसाब से डालना है डाला हूँ, ये कांग्रेस पार्टी से नहीं दे रहे हैं, KGF बाबू के थ्रू से दे रहे हैं। KGF बाबू दिल खोल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं BJP के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि के चुनाव क्षेत्र में एक शख्स ने उपहार में मिली हुई साड़ी जला दी, ये कहकर कि उसको उपहार नहीं विकास चाहिए। उधर बेंगलुरु के पास कोलार में कांग्रेस की MLA रूपकला शशिधर की तस्वीर के साथ 50 लाख के फूड किट जब्त किए गए। बताया ये भी जा रहा है कि वोटर्स के बीमा की किस्त भी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं, तो कहीं बच्चों को कोचिंग की फीस जमा करवाई जा रही है।
चुनाव नजदीक आते ही कभी त्योहार के नाम पर उपहार तो कभी आर्थिक मदद, बहाना जो भी हो लेकिन नजर वोटर्स पर है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती तब तक उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। और इलेक्शन कमीशन की इसी वजह से हर वक्त कोई कानूनी मामले के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं। अरे भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में कराने का उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अथॉरिटी है, तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। हमने कानून पढ़ाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इस डेट के पहले करेंगे तो ये ठीक है। ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये बाबू लोग बैठ के बनाते हैं और इसका एक बहाना देके वो कुछ करते नहीं है। हाल ही में एक बीजेपी विधायक के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त के बेंगलुरु में पड़े छापे में 8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है कि ये रुपए कहां से आए और किस मद में खर्च होने थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अच्छा, ये तो लोक लुभावन वादे हो गए, जिसको रेवड़ी पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो वहां तो देखिए आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम भी देने को तैयार है नेता। लेकिन कर्नाटक में इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां ध्रुवीकरण की कोशिशें लगातार होती हुई दिख रही। अब पिछले साल आजान, नमाज, मीट, हिजाब को लेकर जमकर सियासत हुई और अब फिर से ये शुरुआत हो गई। कुछ हफ्ते पहले बीजेपी नेता नलिन कुमार कतील के टीपू सुल्तान को चाहने वाले कर्नाटक से बाहर जाएं के बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नमाज से लाउडस्पीकर क्यों, और उसके बाद वो एक भगवान के लिए कहते हैं कि क्या वो बधिर हैं, लाउडस्पीकर क्यों बजा रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा हो रहा। क्या इस तरह से कर्नाटक में भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उस पर लोग कहीं बात न करने लगे, उसके लिए ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं, और क्या ध्यान वाकई भ्रमित होगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल राज्य सरकार के निर्देश से लाउड स्पीकर की आवाज तकरीबन सभी मस्जिदों में तयशुदा सीमा के तहत कर दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने सोची समझी रणनीति के तहत यह बयान दिया है। ईश्वरप्पा और बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के वो दो नाम हैं जिन्होंने पार्टी की यहाँ नींव रखी थी। अनंत कुमार भी शुरू से जुड़े रहे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 80 साल की उम्र की वजह से येदियुरप्पा ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, लेकिन तकरीबन 75 साल के ईश्वरप्पा चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी विधानसभा चुनाव। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देना नहीं चाहती। ऐसे में ईश्वरप्पा को वो तमाम हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहे। ओबीसी नेता ईश्वरप्पा कुर्बा समाज से है, जिनकी आबादी लगभग 10% के आसपास है यहाँ कर्नाटक में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिद्धरमैया भी कुर्बा हैं। ऐसे में ईश्वरप्पा को लगता है कि शायद बीजेपी उन्हें एक और मौका देगी, लेकिन इसके लिए खबरों में बने रहना जरूरी है ताकि पार्टी के नेताओं की नज़र में बने रहे। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता सावरकर बनाम टीपू को हवा दे रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश चल रही है, लेकिन भौमई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और लिंगायतों में भौमई की वजह से चल रही गुटबाजी फिलहाल हावी है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं खबरों की खबर में, लेकिन जब वापस आएंगे तब आपको बताएंगे ऑस्कर्स के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा का 64 साल लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है। 95 ऑस्कर अवार्ड में RRR के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर्स ने अवार्ड जीत लिया।
भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरा दिन। आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। नाटू नाटू का कड़ा मुकाबला था रिहाना और लेडी गागा जैसे गायकों से, लेकिन सबको पछाड़ते हुए इस गाने ने अवार्ड अपने नाम कर लिया। फ्रॉम द फिल्म आरआरआर, दिस इज नाटू नाटू। आई ग्रू अप लिसनिंग टू द कारपेंटर्स एंड नाउ हियर आई एम विद द ऑस्कर्स। सिर्फ अवार्ड ही नहीं बल्कि इस गाने की लाइव परफॉर्मेंस भी हुई, जहां इस गाने के गायक राहुल सिफरीगंज और काल भैरव सुर से सुर मिलाते नजर आए और डांसर्स इस गाने पर थिरकते। खास बात ये रही कि इस खास परफॉर्मेंस की घोषणा प्रेजेंटर की हैसियत से पहुंची अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने की। अवार्ड जीतने के बाद रामचरण और जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा से जुड़े चेहरों ने इस जीत पर प्रतिक्रिया दी। दो अवार्ड जो आज मिले, ऑस्कर मिले हैं नाटू नाटू के लिए और एलिफेंट विस्पर के लिए, बहुत दर्शाता है कि किस तरह का हमारा इंडियन सिनेमा जो है ग्लोबली कितना लोग इसे सराहते पसंद करते हैं। दूसरा अवार्ड रहा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में एलिफेंट विस्परर्स के नाम, जिसकी निर्माता गणित मूंगा अपनी टीम के साथ वहां उपस्थित नजर आईं। लेकिन तीसरी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ऑस्कर नहीं जीत पाई और यह अवार्ड रशियन डॉक्यूमेंट्री नमनली को मिला। गुनीत मूंगा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया। ऑस्कर में भारत से मदर इंडिया को 1998 में नामांकित किया गया था और तब से लेकर अब तक सलाम बॉम्बे और लगान जैसी फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेट हुई पर अवार्ड नहीं जीत सकी। पर अब पूर्ण रूप से भारत में बनी दो फिल्मों को अलग अलग श्रेणी में ऑस्कर मिलना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भारत से जुड़ी दो अहम फिल्मों स्लमडॉग मिलियनेयर और गांधी के नाम कई ऑस्कर आ चुके हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।